नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में। मेरा नाम है विनय कंबोज। मेरा नाम है उपेंद्र। और आज जो ये हमारा वीडियो है, ये बेसिकली एक डिस्कशन है हमारा कि हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, जिनकी अभी आपने पिछले कुछ टाइम में देखा कि काफ़ी सारी कंपनियों ने लॉन्च किए इलेक्ट्रिक्स। अभी रिसेंटली BYD की एक गाड़ी आई है, और उससे पहले एक जो बजट के अंदर आई थी टियागो EV, और उससे पहले हाइब्रिड्स भी लॉन्च हो रही है। तो आज हम बात करेंगे एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की, कौन सा ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए परचेज करना। सो हमारी ये नई तरह की वीडियो है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जितनी भी आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है। तो सबसे नीचे से शुरू करते हैं, टाटा टियागो, उसके बाद टिगोर आ जाती है, उसके बाद नेक्सोन आ जाती है, उसके बाद कोना आ जाएगी, उसके बाद ZS EV आ जाएगी, और अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुई है BYD। सो लग्जरी ब्रांड्स भी सभी इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम क्या है कि मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं, कुछ ब्रांड्स जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि वो 2025 तक ऑल इलेक्ट्रिक हो जाएंगे इंडिया के अंदर, जो कि मुझे जो है लगता है कि अभी इंडिया उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। और तैयार क्यों नहीं है वो विनय बताएगा, क्योंकि अभी जैसे हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा, हमने कुछ इलेक्ट्रिक कार्स को ड्राइव भी किया है, तो उसमें बेसिकली क्या दिक्कत रहती है, एक तो कि आपका जो नो डाउट कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, लेकिन वो कितनी है, वो जब आपके पास आती है तब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, उससे पहले वो कैसे बन के आपके पास पहुंची है उसकी एक अलग ही कहानी है, तो उसके ऊपर अभी हम नहीं जा रहे। लेकिन जब आप उसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस टाइम आप बोल सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और उसमें मेन दिक्कत ये है कि उसके अंदर एक बैटरी पैक है, तो उसको चार्जिंग के लिए बड़ा टाइम लगता है, उसको आप चार्ज करेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग आपका प्रोसेस है। उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है और उस केस में आपकी गाड़ी चार्ज नहीं है, तो फिर एक आपके लिए दिक्कत है। तो बेसिकली वो बंदा इसको ऑप्ट कर सकता है जिसके पास एक पहले से कार है, फिर वो इसको कंसिडर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो ऑप्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक ही गाड़ी आप लेने का प्लान कर रहे हैं और आपके लिए प्राइमरी व्हीकल रहेगा, तो EV मेरे हिसाब से अभी तक आपके लिए प्रॉपर सुटेबल नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर इंफ्रा नहीं है। हमने भाई जैसे दूसरी गाड़ियां ड्राइव की थी, हाँ मैं एक अभी जो हमारा एक्सपीरियंस था रिसेंटली, बिल्कुल कुछ हफ्ता पहले का हमारा एक्सपीरियंस है कि मैं और विनय MG ZS EV ड्राइव कर रहे थे काफ़ी दिनों तक। तो एक दिन हमें ऐसा लगा कि इसको हम फास्ट चार्जर से चार्ज कर लेते, क्योंकि घर में 19 घंटे लग रहे थे उसको डोमेस्टिक चार्जर से चार्ज करने में, जो 15 एम्पेयर का है। और हमारे पास यहाँ जो AC फास्ट चार्जर है वो है नहीं हमारे पास, क्योंकि वो गाड़ी हमारी नहीं थी, ब्रांड की गाड़ी थी। तो हम उस गाड़ी को चार्ज करने के लिए अपने आसपास के जो फास्ट चार्जर है वहाँ जाने की हमने सोची, और हम गए तो ऑनलाइन जो है वो चार्जर्स बिल्कुल दुरुस्त दिखा रहा था कि हाँ यहाँ पे ये चार्जर है और ये ठीक चल रहा है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वो चार्जर काम नहीं कर रहे थे, उस वजह से मेरा बल्कि ऐप में जो स्टैटिक के चार्जर थे, वो स्टैटिक कंपनी के, तो वो 500 रुपये मेरे वो ऐप में मैंने ऐड कर दिया, वो ऐप के अंदर ही है। तो अब कभी कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे तो उसको चार्ज करके ख़त्म करेंगे, तो वॉलेट में सेफ है पैसे, बट वो वहाँ पे फंस गए मेरे पैसे, और वहाँ पे कोई चार्जर चल ही नहीं रहा था, कोई भी वर्किंग में नहीं है। तो इस तरह का अगर मान लीजिए कोई फैमिली के साथ, मान लो मैं हूँ या विनय है और हम कहीं जा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रस्ते में यहाँ पे हम चार्ज करा लेंगे और थोड़ी देर रुक भी जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके अगर वो चार्जर नहीं चला तो मैं अपनी फैमिली को लेकर क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, तो मुझे कैब करनी पड़ेगी और ज़्यादा परेशान होना पड़ेगा, कंपनी को फ़ोन करना पड़ेगा। हालांकि आजकल जो है सर्विसिंग देती है कंपनीज 5 साल तक, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो 24/7 सर्विस मिलती है, क्या बोलते हैं उसको, रोड साइड असिस्टेंस RSA, तो वो मिल जाए या कुछ भी है, मतलब उसके लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, चीज़ें मतलब उस तरह से है नहीं अभी इंडिया में। सो इलेक्ट्रिक कार्स तो यहाँ पे अभी हम कहेंगे कि इंडिया या हम जो है वो तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एक अच्छा खासा एक अमाउंट स्पेंड किया है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने में, और उसके बाद भी अगर आपको इतना दिमाग लगाना पड़े कि मेरे को यहाँ जाके चार्जर नहीं मिला, उसके बाद मेरे को ये अरेंज करना है वो अरेंज करना है, तो मेरे हिसाब से ये कोई अच्छी बात नहीं है। और अभी तक ऐसा कुछ रेडी भी नहीं है, अगर हम जैसे, क्योंकि हम तो मेन जगह पर रहते हैं और हमारे पास ये हाईवे है NH 44 है, और हम इससे ट्रैवल कर रहे हैं, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमें इतनी दिक्कत है, लेकिन हाँ। जो लोग थोड़ा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हाँ। नहीं है, तो स्टेट हाईवे पे रहते हैं जो, वहाँ तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या दिक्कत उनके साथ दिक्कत होने वाली है। एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, जिन्होंने सिटी में ही कम्यूट करना है, वो जैसे टियागो टिगोर जैसी गाड़ियाँ हैं, वो क्योंकि 6-6.5 घंटा में ना मतलब चार्ज हो जाएंगे आपके घर पे ही,
और वो मतलब रात को आपने लगा दी, फिर उसके बाद दो चार दिन आप उसको सिटी में चला रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वहां पे आपको वो किफायती मतलब जैसे हाँ, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आप वो सेकेंडरी कार होगी आपकी, ऐसा नहीं कि मेन प्राइमरी कार ही वही है, क्योंकि अगर आप ऑफिस से जाके वापस आए हैं तो उसकी बैटरी डिस्चार्ज होगी और उसके बाद पता लगे कि भाई अब यहाँ से हमें वहां जाना है और बैटरी ही नहीं है। राइट, सो ये तो था इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में, लेकिन मेन जो डिस्कशन है वो हमारा अब होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली टोयोटा ने और मारुति ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च की जो कि टोयोटा का बहुत जाना माना जो टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, उसका जो वो अपने प्रीमियम कार्स में, लग्जरी कार्स में यूज़ करती थी, जैसे कि प्रायस आती थी उनकी या प्रियस बोल लीजिए, उसके अलावा कैमरी उनकी आती थी, तो वहाँ पे फुल्ली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आती थी, वो अब टोयोटा ने क्या किया, यहाँ पे मारुति के साथ मिलकर दो गाड़ियाँ बनाई। टोयोटा में आएगी वो हाई राइडर के नाम से और मारुति में आएगी ग्रैंड विटारा के नाम से। सो वो जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना, क्योंकि हमने मैंने और विनय ने दोनों गाड़ियाँ चलाई, वो जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमें थोड़ा टच करी, उसके हिसाब से हमें लगता है कि वो अभी परफेक्ट चीज़ है। हाँ, क्योंकि उसकी माइलेज भी अच्छी खासी क्लेम कर रही है कंपनी, और ये लगा लीजिए कि हम जब ईवी के लिए जा रहे हैं तो मेन हमारा मोटो यही है कि हमारा जो डेली रन हो वहाँ, हमें जितनी ज़्यादा इकोनॉमिकल वो पड़े, जितने ज़्यादा कम हमारा पैसा लगे, वो हमारा मेन एक मोटो रहता है। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ हमारा जो मोटो है वो फुलफिल हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो माइलेज है गाड़ी की वो अच्छी खासी निकल के आ रही है यहाँ पे, और उसमें बड़ी देर तक तो भाई जो उसका एक निडल रहता है ना, डंडा रहता है, वो बड़ी टाइम तो वो गिरता ही नहीं। वो माइलेज तो सही दे रही है, बड़ा तेल जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा इसका, तो क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो इलेक्ट्रिक पे ही चल रही होती है, और जब वो फील होगा आपको लिटरली जब आप स्टार्ट करेंगे उस पर इलेक्ट्रिक पे रहेगी, जब आप स्टार्ट करेंगे चलेंगे तो वो इलेक्ट्रिक, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि इलेक्ट्रिक जो है ना, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ऐसा वो चलती है, तो मतलब वो चलाने का जो एक्सपीरियंस था वो जबरदस्त। हालांकि कंपनी 28 के आसपास की माइलेज क्लेम कर रही है, लेकिन फिर भी आपको 24-25 के आसपास से, इतनी बड़ी गाड़ी से मतलब आप 24-25 के माइलेज ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी वो है, और प्राइस रेंज भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उसका कुछ प्राइस रेंज है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जाएंगे, उस सेगमेंट का इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आप जाएंगे, क्योंकि वो अबव 4 मीटर कार है, तो अगर अबव 4 मीटर पे आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं उसी प्राइस रेंज में या उससे ज़्यादा में आपको पड़ती है, और यहाँ पे कोई ऐसा भी आपको नहीं रहेगा कि आप कहीं फैमिली के साथ गए, आपको कहीं वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज हो रही है, और पेट्रोल पंप पे तो आपको पता है कि कितना टाइम लगता है पेट्रोल फिल कराने में, तो आपका यहाँ पे टाइम भी बच रहा है, और जो मेन पर्पस था हमारा कि हमें पैसा बचाना है, वो पैसा भी आपका यहाँ बच रहा है। सो हाई राइडर और ग्रैंड विटारा को कहीं ना कहीं आप कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही गाड़ियाँ अब अपने अपने डीलरशिप्स पे वो आ गई हैं, मारुति में नेक्सा में, बेसिकली नेक्सा में आपको ग्रैंड विटारा मिलेगी, और टोयोटा में आपको हाई राइडर मिलेगी, वहाँ जाके आप टेस्ट ड्राइव भी गाड़ी के कर सकते हैं, आप बुकिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से, देख सकते हैं कि गाड़ी कैसी है, थोड़ा वेरिएंट वाइज भी आपको जो है वो मिल जाएंगे, कि कम पैसा लगाना है तो थोड़ा छोटा वेरिएंट आप उस हाइब्रिड का ले सकते हैं, और अगर आपको फुल्ली फर्निश्ड 2 BHK चाहिए अगर आपको फुल्ली फीचर रिच गाड़ी चाहिए तो आप टॉप वेरियंट की तरफ जा सकते हैं, तो वो काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी सही आपको लग सकती है। सो दोस्तों, ये एक हमारा छोटा सा वीडियो था इस स्ट्रोंग हाइब्रिड और ईवी के डिस्कशन पे। हमें, हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमें ये ईवी लेना चाहिए या एक स्ट्रोंग हाइब्रिड कार लेना चाहिए, तो ये उसी के लिए हमने एक छोटी सी एक ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। अगर ये आपको एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप किस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं, ताकि हम उसके ऊपर डिस्कशन करें और आप लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और ये सच में हम बता रहे हैं आपको कि आप जो भी टॉपिक चूज़ करेंगे ना, उस पर हम बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल परफेक्ट, जो मार्केट के हिसाब से या आप लोगों के माइंड के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से ही हम बात करेंगे। सो अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।